हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चाहे वो CHFL हो, चाहे CGL हो दोस्तों, चाहे NTPC रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो। ओके दोस्तों मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा लुप्त पद, यानी कि जो लुप्त संख्याएँ होती है वहाँ से। ओके दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, यानी कि तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है। ओके, 1925। ओके दोस्तों, 4 16 36 9 25 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ज़्यादा नहीं, 5 6 सवाल डिस्कस करूँगा, पर अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूँगा। ओके दोस्तों तो पहले देखते हैं हम क्या बन सकता है हमारा। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं, यहाँ पहले का वर्ग प्लस जो एक का वर्ग एक होता है दोस्तों, और फिर है नौ। दोस्तों तो नौ किसका वर्गमूल है, तो यानी कि 3 का वर्ग है 9। ओके दोस्तों, 3 का वर्ग 9 होता है। ओके दोस्तों, याद रखना, समझना, 3 और 1 4, समझ में आया इतना। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1 ऐड हो रहा है अपनी तरफ से, तो हमारे 25 हो पाएंगे। 4 और 1 5, तो बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं अगली कंडीशन क्या बन सकती है। क्या है दोस्तों, 4 लिखा है, तो 4 यानी कि 2 का वर्ग प्लस, फिर क्या है दोस्तों, 16, तो यानी कि 4 का वर्ग। ओके दोस्तों, कितना हुआ जोड़ के, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, क्योंकि पहले में एक ऐड करना पड़ा, अब इसमें से एक कम कर दिया। ओके दोस्तों, तो हमारा कितना आ गया, 36। ओके दोस्तों, ऐसे अगला स्टेप देखते हैं। तो क्या है इसमें, 9 है दोस्तों, तो ये कितने का है दोस्तों, 9 है हमारा ये, तो दोस्तों ये क्या है, 3 का वर्ग। ओके दोस्तों, प्लस ये 25 है, तो ये कितने का है दोस्तों, 5 का वर्ग। 5 और 3 8 होता है, पहले में क्या था, मैं एक जोड़ना पड़ा था, दूसरे में क्या था, एक कम करना पड़ा, तीसरे में क्या दोस्तों, एक और कम करेंगे उससे। ओके दोस्तों, तो क्या 5 और 3 8 दोस्तों, तो 8 में से एक कम करेंगे, ये 8 हो गया ना, 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7 का स्क्वायर बराबर 49। ओके दोस्तों, कितना हो गया बराबर 49। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों हमारा, सेकेंड। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है 27 54 9 42 84 14, क्वेश्चन मार्क 42 7। ओके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखो, अपने आप कुछ ना कुछ कंडीशंस बनती हैं इनमें दोस्तों। इसका इसमें पाड़ा पढ़ना क्या बजा रहा है, यानी कि 9 3 27, 3 बजा रहा है दोस्तों। इसका इसमें पढ़ना 9 6 54, यानी कि इधर 3 बार इधर 6 बार, ऐसे इसमें पढ़ते हैं 14 3 42, 3 बार इधर पढ़ते हैं 14 6 84, यानी कि दोस्तों हमारा वही कंडीशन बनी 3 6 3 6, तो ऐसे इसमें करेंगे तो 7 3 21, 7 6 42, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यानी कि 13 19। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या बनना है देखते हैं, 4 17 9 10 128 32, क्वेश्चन मार्क। तो सोचते हैं दोस्तों इसमें डिवाइडेशन से करेंगे तो चीज़ नहीं हो पाएगी हमारी, देखते हैं दोस्तों। पहले ऐसा करते हैं, इन्हें हम ऐड करके देखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करोगे आप, मैं बताते जा रहा हूँ दोस्तों। तो पहले आप 13 प्लस 19, ओके दोस्तों, इन्हें आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 3 12, 1 1 2 1 3, इसमें क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। तो आप इसमें 8 का भाग दोगे, 8 चौक 32, क्या बार क्या दोस्तों, 4 बार, 4 नीचे आ रहा है, बात को समझना मेरी दोस्तों। अब ऐसे ही हम इसे करेंगे दोस्तों, ये इसमें संख्या मिस्टेक से टाइप इतनी हो गई है दोस्तों, यहाँ 70 नहीं है, 71 है। ओके दोस्तों, ये जो लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा दोस्तों 71। ओके दोस्तों, कितना होगा 71 दोस्तों, कितना करेंगे, 71 प्लस 9 कितना होगा दोस्तों, 80 हो गया। 80 में दोस्तों भाग कितने का देंगे हम, दोस्तों हम देंगे 10 का भाग दे, यानी कि 8 का भाग तो अपनी तरफ से देना दोस्तों, तो 8 2 80, हमारा 10 आ गया आंसर दोस्तों। ये लिखा है नीचे 10 लिखा है दोस्तों, ऐसे ही आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, इन्हें ऐड करके देखते हैं, यानी कि दोस्तों हम इन्हें ऐड करेंगे दोस्तों, यानी कि 128 प्लस 32, देखते हैं 8 2 10 3 2 5 1 6 और 1 160,
और दोस्तों 160 होगा, 160 वापस कर देंगे दोस्तों 8 का, तो 8 दूनी 16। ओके दोस्तों, एक जीरो लगा, जीरो लगा दो, तो आंसर कितना होगा हमारा 20, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके दोस्तों, यानी कि थर्ड हमारा सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यानी कि तीन ये कंडीशन दी हुई हैं, आप इसे एक बार देख सकते हो, ये चीज़ दी हुई है दोस्तों। ओके, आप ये देख लीजिए, तब मैं बताता हूँ क्या होगा। दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस बन रही हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या बन रहा है इसमें। देखो दोस्तों, यानी कि हमें 39 लाना है, तो आप, मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलिए, जो 6 के सामने 5 लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 6×5। ओके दोस्तों, इतना समझ में आएगा दोस्तों। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, अब करेंगे दोस्तों 3×3, तो 6×5=30 होता है दोस्तों, 30 रख लिया, प्लस 3×3=9 होता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम जोड़ेंगे 30 और 9 कितना हो गया दोस्तों हमारा, 30 और 9 हो गया दोस्तों, यानी कि हो गया ना दोस्तों हमारा यानी 39। ओके, तो ऐसे ही इसमें होगा दोस्तों, ये कंडीशंस है। क्या फिर दोस्तों, मैं बताया था अभी, 7×5=35, यानी कि 5×7 करेंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे 4×, आमने सामने का 4×4, 7×5=35 दोस्तों। ओके, प्लस 4×4=16 दोस्तों, 35 में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यानी 51 होगा हमारा, सीधी सी बात है। ओके दोस्तों, ऐसे दोस्तों इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 5×25, फीता फीता कर देता हूँ मैं इसका, इसमें एक मिनट दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया, 25+36=12, इसे ऐड करेंगे 5×2=7 दोस्तों, 2×1=3, यानी कि 37, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन सॉरी, क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, 64, 22, 79, 27, 52, इतने इतने दे रहा है, ये कंडीशन दोस्तों दी हुई है। ओके दोस्तों, अब हमें देख रहे हैं इसमें करना क्या है दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारा फॉर्मेट ये दोस्तों। दोस्तों मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलिए, पहले आप इसमें कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमारा दोस्तों, तो ये हमारा बनेगा सबस्ट्रक्ट, देखते हैं दोस्तों, इसमें से आप इसे घटा के देखिए। ओके दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से आप इसे घटा के देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से इसे घटाओगे कितना बचेगा, 64-22, तो 4 में फिर 2 गया 2 बचा, 6 में फिर 2 गया 4 बचा दोस्तों, आ गया हमारा 42, तो यानी कि सभी में से हमने संख्या घटाते चलेंगे, हमारी ही आती आएगी, तो या फिर दोस्तों हम 91 में से 18 घटाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहीं घटा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ मैं, तो 11 में से 8 गया 3 बचा। ओके दोस्तों, और इधर 8 में से 1 गया 7 बचा, तो आंसर होगा 73। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कहाँ दिया हुआ, इसका ऊपर दिया होगा दोस्तों, कहीं 73 होगा तो। ओके दोस्तों, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दोस्तों आगे सवाल देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों, तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यानी कि तो दोस्तों ये कंडीशन हमारी दी हुई है हमारे पास। ओके दोस्तों, तो हम इसे क्या करेंगे इसमें, यानी कि हमें 3×7=21 दोस्तों, इससे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए सवाल को, उसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखते हैं हमारा क्या कंडीशन थी दोस्तों इसमें, तो यानी कि दोस्तों ये देखो, इसमें कुछ बन रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ से 18 में से आप दोस्तों ये 21 कम करोगे तो कितना बचता है, 18 में से 3 गया दोस्तों। ओके, या फिर दोस्तों 23 में से 27 कम करोगे, यानी कि 27 कम करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचते हैं, तुम्हारा 4 आ रहा है, हमें यहाँ बढ़ना है ना दोस्तों, तो 27 में से आप 33 कम करोगे दोस्तों, 27 में से आप 33 माइनस करोगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 6, तो यानी आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों, सातवां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सातवां सवाल देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जैसे दोस्तों इसमें क्या है देखो, चाहती है यानी कि आप इसमें मल्टीपल करा के देखिए, जो कंडीशंस बन जाए वही हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो हमारा क्या है देखो, 5×20, 3×3। ओके दोस्तों, 20+3 ये हमारा 23 बन रहा है, देखते हैं बनेगा तो बनेगा ना, कुछ अपनाएंगे। ओके दोस्तों, या फिर दोस्तों 5×42 होता है, ऊपर करेंगे 42 रख लिया, 4×3=12 रख लिया, ऐड करते हैं 2×2=4, 4 रख ललिया, और दोस्तों 4×1=54 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, यानी कि हमारी यही कंडीशन सब में बनने वाली है, तो या फिर दोस्तों ऊपर गुणा कराएंगे इसका। ओके दोस्तों, तो 11×2=11
दो ऊपर ही मल्टीप्लाई कराया था मैंने, गुणा दो रख दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 22। ओके दोस्तों, 22 हो गया दोस्तों। ओके, तो अब हमें ऐसा क्या लाना है ना, तो 9 में मल्टीप्लाई करा के हमारा और जोड़ के हमारा 40 हो जाए। तो दोस्तों हमारा यानी कि यहाँ 2 रख दें अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2 कितना हो गया, 9 दो 18 दोस्तों, इधर हम 18 जमा करें 22 में, तो कितना हो जाएगा, 8 दो 10, 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि ये संख्या दोस्तों हमारे पास दी हुई है। ओके दोस्तों, तो हमारे इसमें क्या कंडीशंस बन रही है जो कि हम यहाँ पे दोस्तों से यानी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो 6 दूनी 12, 36 18 56 30 देखते हैं, 8 दून 16, 8 चौक 32, 8 5 40। ओके दोस्तों, हमारी संख्या दोस्तों बनेगी 9 चौक 36। देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, 6 दूनी 12, 2 बार 36 18। ओके दोस्तों, तो 3 और 2, 2 का इसमें 2 बार जा रहा है, इसमें 3 बार, ये इन्हीं का योग करके इतनी बार जा रहा है, इसमें 3 और 2 5 होता है, तो 6 का 5 हो जा रहा है, 6 5 30। ऐसे इसमें देखेंगे दोस्तों, 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है दोस्तों, और इसके बाद 8 चौक 32, तो 4 बार, 4 और 2 6 होता है दोस्तों। तो लेकिन अब इसमें याद रखना है, इसमें दोस्तों 1 कम हो रहा है अब, क्योंकि 8 5 40 होता है हमारा, ये 6 हो रहा है यानी 8 से 48, तो इसमें भाई 1 कम हो रहा है। तो आगे अगर हम देखते हैं, अगर हमारे 2 कम होगा दोस्तों, 2 कम होके बन जाएगा, तो हमारा वही आंसर होगा। ओके दोस्तों, दोस्तों हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी इसमें जो हमारी यहाँ बन जाए, तो दोस्तों 6 हमारा आएगा नहीं वैसे भी। ओके दोस्तों, क्योंकि 27 तो हमारा कटता नहीं 6 से, 12 से कटेगा नहीं दोस्तों, 18 से कटेगा नहीं, 9 आएगा संख्या, तो 9 से हमारी सभी संख्या कट जाएंगी। ओके दोस्तों, इसीलिए हमारा 9 आंसर हो जाएगा।